इन फ्रेंड, मैंने कल एडवांस लेवल बैंक निफ्टी के मैंने यूट्यूब चैनल में भी एक दिया था। काफ़ी 3 दिनों से मेरी टेक्निकल एनालिसिस में एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। हो सकता है आगे मार्केट स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करे, बट स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए। और लॉस में 5 5 मिनट नहीं, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, उनसे ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। उसका एक साइकोलॉजी में वीडियो के अंत में बिताऊँगा, वीडियो के बीच में भी बताऊँगा। वीडियो कोर से देखिए, काफ़ी बेहतर तरीके से रिटर्न देता है। और मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप ज्वाइंट हो सकते हैं। और एंजल वन में आपका अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप अकाउंट खोल सकते हो। लाइव मार्केट में आप भी स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया हो, कौन कौन सा पुट ऑप्शन हो, मैं भी आपको बताऊंगा वीडियो में। काफ़ी बेहतर तरीके से ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। 39,400 का पुट आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर तरीके से रिटर्न किया। उसकी लो प्राइस देखिए, 74 रुपये और 140, और कहाँ तक गया वो भी देखिए आप। काफ़ी बेहतर तरीके, 475, 500 को टच होकर नीचे गिरावट आई और 2 कैंडल रेड हुई। मैं आपको वीडियो के अंत में काफ़ी बेहतर तरीके से मैं अच्छा वर्क में बताऊंगा आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। और मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से आगे भी एक वीडियो बनाए थे, कहाँ से आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, कहाँ से आपको पुट ऑप्शन खरीदना, और ये पुट ऑप्शन कहाँ से खरीदना है, वो मेरे गुजराती में वीडियो है। लाइक ऐसे करो कि हिंदी में काफ़ी बेहतर तरीके से मेरी स्ट्रेटजी आ रही है, टेक्निकल एनालिसिस तेमस ट्रेडिंग की बेस्ट स्ट्रेटजी। मेरे पास सीक्रेट एक स्ट्रेटजी है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो 39.8 का पुट आप देख सकते हैं, लो प्राइस देखिए 173 और 23 और 315 और 356। आप कहाँ से 315 से बाई किए, और आपकी स्टॉप लॉस कहाँ रखने की है और उसके नीचे की, और स्टॉप लॉस आपकी कितनी रखी, 28 और 33, 20-30 बराबर, वो आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। हिंदी मुझे कम आवड़ती है और मुझे सही तरीके से गुजराती थोड़ी थोड़ी आती है, और मैं आपके साथ वीडियो काफ़ी बेहतर तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। तो आपकी स्टॉप लॉस कहाँ से रहेगी, 315 आपको बाई किया है, उसके नीचे की आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। और वो देखो, यहाँ 2 ग्रीन कैंडल बनी है, वहीं से आपने बाई किया, उसके नीचे की स्टॉप लॉस, वो देखो 3री कैंडल आपने, ये मैंने येलो लाइन ड्रॉप की है, उसके नीचे की प्राइस कौन सी है देखिए, देखते हैं 28, तो 280 की आपकी स्टॉप लॉस रहेगी, 315 आपकी ब्राई प्राइस रहेगी। और टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं, जहाँ से 2 रेड कैंडल बन जाए, आपका प्रॉफिट कम होने लगे, वहीं तक का आपका टारगेट है। तो आपको देख सकते हैं 65 पॉइंट काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मिल सकता है। उसका आप रिटर्न देखिए, कम से कम तो 1300 रुपये होगा। और आप सही तरीके से आप कंप्यूटर में या यदि आपके मोबाइल में कैल्सी मार लेना। और मैंने टारगेट कहाँ तक का दिया था और मेरा टारगेट सही तरीके से हिट हुआ, उसी तरह आप ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी बेहतर तरीके से रिटर्न मिला। देखो 500 पॉइंट, यदि आप कहीं से भी 300 से लिया तभी आपको 200 पॉइंट का रिटर्न मिला। आप सही तरीके से देख सकते हैं स्क्रीन पे, टारगेट मेरे आगे का स्क्रीनशॉट है। यदि आपको थोड़ी थोड़ी गुजराती आवड़ती वीडियो में समझ आता है तो आगे का मेरा वीडियो कुछ है देख लेना। और यदि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक करके लोगों के साथ शेयर करना। अब मैं आपको बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कल का लेवल कौन सा होगा, आज का लेवल 16 तारीख का कौन सा लेवल होगा, वो आपको सही तरीके से बताऊंगा। हर बार मैंने गिरावट का पहले से ही बताया था, और मेरे फ्रेंड को काफ़ी समय पहले मैंने बताया था, यदि 41,500 का लेवल ब्रेक करेगा तो मार्केट डूबेगा 39,300 पे। तो 39,400 पे गिरावट आई तब रुका था। और दूसरा मैंने लेवल दिया था, यदि मार्केट 39,400 का लेवल ब्रेक करेगा तो काफ़ी बेहतर तरीके से गिरावट आएगी। और मैंने टारगेट दिया था 38,800 का, तो मार्केट कहाँ पे रुका, 39 पे। तो मुझे अभी दूसरा सपोर्ट दिखता है 38,606 का,
यदि गिरावट आई, सेलिंग प्रेशर आया 3905 पे, तो फैला सपोर्ट मुझे दिख रहा है 38,060 का, और यहाँ से भी गिरावट आई, दूसरा सपोर्ट मुझे दिखता है 3948 का, और उनसे भी गिरावट आई तो 32508 का। यदि बहुत गिरावट, मार्केट बहुत क्रैश हो गया तो सेलिंग आएगा, तो कहाँ से आपको पुट ऑप्शन खरीदना है वो भी मैं आपको इसमें मैं बताऊंगा। यदि वीडियो गौर से देखिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में बनाने काफ़ी मेहनत लगती है। 3905 का लेवल ब्रेक किया तो मानो के वहीं से मार्केट ओपन होना चाहिए, गैप अप ओपन होगा का गैप डाउन ओपन होगा, तो ये वर्क सही तरीके से नहीं करेगा। वीडियो में कहीं भी मैं आपको काफ़ी बेहतर स्ट्रेटजी बताऊंगा। वीडियो गौर से देखिए, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को गौर से लाइक कीजिए, जैसे कि मेरे कॉन्फिडेंस है, मुझे लाइक बहुत पसंद है, लाइक एकदम फ्री में होती है, लाइक का कोई खर्चा नहीं होता। तो 3905 का लेवल ब्रेक किया, मान के 39 में से 38,050 हो गया, 38,000 हो गया, तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है और उसकी स्टॉप लॉस लगानी है 5 पॉइंट की, और फाइनी इंग्लिश मुझे कम आती है और हिंदी भी कम आती है, तो आपको मैं बता दूँ आपकी स्टॉप लॉस रहेगी 50 पॉइंट की। यदि आप तो 300 में खरीदा और 250 हो गया तो आपको एग्जिट कर देना है। अच्छे से मूवमेंट देगा मार्केट तो तब आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी हो सकती है। आगे का मेरा वीडियो है, काफ़ी बेहतर तरीके से रिटर्न किया, एक दिन का रिटर्न देखो तो 20,000 का है, 10,000 का है, कम से कम आपको दे दूँ बात बता दूँ तो आप 1,000 से तो ज़्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं आराम से, और 1,000 रुपया आपका जा भी सकते हैं, और 1,000 नहीं 2-3 हज़ार आप ले भी सकते हैं। रोकान कितने का करना चाहिए आपको? सिर्फ सिर्फ 1 लॉट का, उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा आपको रोकान नहीं करने का, उनसे ज़्यादा लॉट ही नहीं करने का। आप बिगिनर ट्रेनर है तो आपके पास 10,000 है तो पहले आप स्टडी कीजिए और बैंक निफ्टी का लेवल जानिए और सही तरीके से वर्क करें, तभी आप ट्रेडिंग करें, उसके बिना आप ट्रेडिंग मत करिए। तो मेरी स्ट्रेटेजी इस तरह काम करती है, तब भी मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं पहले स्टडी करता हूँ, पेपर ट्रेडिंग करता हूँ, उसके बाद अच्छे लेवल मेरे 1 साल का आएगा, 1 साल के मेरे रिजल्ट काफ़ी 100% सही होगा, तब मैं ट्रेडिंग करूँगा और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करूँगा। और वीडियो में आप आगे का मेरा रिटर्न भी देख सकते हैं, मैं काफ़ी बेहतर तरीके से आपको अच्छे अच्छे लेवल देता हूँ, और मैं दिसंबर का मेरी 80% टारगेट सही से तरीके से हो रहा है। यदि मार्केट को गिरावट आई तो आपको कहाँ से पुट ऑप्शन खरीदना, मैं आप जान गए, फिर से बता दूँ, यदि मार्केट गिरावट आई वहीं से खुलेगा मार्केट 3905 का, तो गिरावट आई 38 पे और 38.50 वहीं से गिरावट आनी स्टार्टिंग हुई तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, उसमें स्टॉप लॉस लगानी है 50 पॉइंट की, और टारगेट रहेगा आपका 5 पॉइंट, 20 पॉइंट और 100 पॉइंट, तो ये आपका टारगेट रहेगा 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, ये आपका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगानी जरूरी है, स्टॉप लॉस मैंने आगे बता दी कैसे खरीदना है, स्टॉप लॉस लगानी है जिस कैंडल से आपने खरीदा उसकी एक कैंडल का लो, लो बड़ी कैंडल हो मीडियम सी, हैमर मीडियम हथौड़ी जैसी, तो आपको वहीं से स्टॉप लॉस लगाना है। आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा कहीं ना कहीं, आगे से ध्यान देखे, ये देखो इसमें मेरा स्क्रीन पे 2 टपका आ रहा है, ये जो डपका हुआ आ रहा है उसमें देखो एक पतली सी एक कैंडल है हथौड़ी जैसी मीडियम सी, उसको डेगन दोजी बोलते हैं, और उसके पास एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके आगे एक हैमर कैंडल बनी है, तो वहीं से आप मानो कि ऐसी पोजीशन आपको मिली और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करके गैप अप ओपन होती है, तो आपको वहीं से खरीदना है। कहाँ पे? चार्ट पे, जहाँ से आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है वहीं पे, यदि मार्केट ऊपर जाए तो। सेम टू सेम पुट ऑप्शन में ऐसी कैंडल आपको मिलेगी, पुट ऑप्शन खरीदने आप जब जाओगे तो उसकी कैंडल का लो जो तीसरी चौथी कैंडल है मेरा टप के आ रहा है स्क्रीन पे वाइट,
तो उसके नीचे कैंडल कर लो, नीचे हाई से आपको बाई करने का है। स्टॉप लॉस लगनी जरूरी है। यदि आप स्टॉप लॉस हिट करो या टारगेट का या प्रॉफिट लेके जाओ या स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस में दिक्कत नहीं करनी है, लगानी है और उनसे कम नहीं लगानी है, उनसे ज़्यादा नहीं। मानो कि आपको 5 पॉइंट की स्टॉप लॉस लगाई और 45 पॉइंट गिरावट आकर ऊपर भी जा सकते, डरने का नहीं। आगे भी मैं आपको बताऊंगा स्टॉप लॉस के नज़दीक आकर प्राइस ऊपर चली गई है तो उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा जरूर। मेरे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिसको इसमें इंटरेस्ट है। तो यदि यहाँ से देखो काफ़ी गिरावट आई, मार्केट क्रैश होने में समय नहीं लगा था और ऊपर जाने में काफ़ी समय लग जाता है। देखो 2016 से मार्केट ऊपर जा रहा था, गिरावट आती थी, इसमें भी अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं। देखो इसमें सपोर्ट कौन सा देखते हैं, 38,531, 37,484 और 32,508। ये सही तरीके से नहीं वर्क करता डेटा टाइम पे में, उसका वर्क करता है पर पहला लेवल और दूसरा लेवल, बहुत गिरावट आई तो तीसरा भी कम कर सकता है। मार्केट गिरता बहुत जल्दी से है और ऊपर आराम से जाता है। तो मैंने आलो टाइम फ्रेम कर दिया है 1 आवर्स का, 1 कलाक का टाइम फ्रेम किया है, उसमें मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से पहला सपोर्ट बेलता है 38,937 पॉइंट, 38,937 मुझे सपोर्ट मिल रहा है। और उनका ये हैमर कैंडल बोलते हैं, देखो आपको मैंने बताया ना आगे वीडियो में, देखो ये लास्ट कैंडल बनी है स्क्रीन पे, उससे हैमर कैंडल बोलते हैं, उनसे ब्रेक करके मानो के मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, वरना ना हो, वहीं से ही ओपन हो 39,451 से और प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाए कैंडल ब्रेक करके। यदि मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हो तो प्राइस ऊपर जा सकती है। पहला टारगेट यदि मार्केट 40,000 हो जाए, 39,451 है तो 39,100 हो जाए तो आपको वहीं से बाई करने का है। स्टॉप लॉस सही तरीके से आपको दिखा रही है 50 पॉइंट की। यही देखो ऐसी कैंडल है, उसका स्टॉप लॉस नीचे रहेगा 38,937, ये आपकी स्टॉप लॉस है। और बाइंग प्राइस कौन सी होगी, 39,100 आपकी प्राइस। और ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न आपको कॉल ऑप्शन में दिखने में कि गिरावट आई तो सेम टू सेम पैटर्न पुट ऑप्शन में आपको दिखेगी। यहीं से आप देख सकते हैं मार्केट में प्राइस ऊपर ऊपर जाता गया, यहीं मेरा टपका आ रहा है वहीं से। तो देखो स्टॉप लॉस आपकी कहाँ की रहेगी, यहाँ नीचे की बराबर, और यहीं से आपकी बाइंग प्राइस। सही तरीके से देखना वीडियो को, गौर से देखना, काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आई तो डिस्क्रिप्शन में मुझे बता देना, आगे से नए वीडियो में वो आपको सही तरीके से मैं बता दूँ, वरना कमेंट अच्छी होगी तो आपको उसी उसी टाइम रिप्लाई दे के दे सकता हूँ, तो मैं उसे भी उसमें भी रिप्लाई दे के मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें मुझे हैमर कैंडल मिली है, यदि मार्केट वहीं से ओपन हो तो अच्छे से वर्क करेगा। और देखो यहीं भी हेमल कैंडल बनी है और टाइम फ्रेम है 30 मिनट का, उसमें भी काफ़ी बेहतर तरीके से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। यदि मार्केट ऊपर जाए तो उसका टारगेट मुझे कौन सा मिलेगा, फर्स्ट टारगेट मुझे मिलेगा 39,200 का और नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 39,449 का और थर्ड टारगेट मुझे मिलेगा 39,648 का। और उसमें प्रॉफिट कैसे बुक करें कॉल ऑप्शन में, यदि आपको लिया है स्टॉप लॉस का तो आपको बता दिया और बाय कहाँ से करना वही भी बता दिया। तो टारगेट मैंने आपको दिया था मार्केट 39,200 जाए तो आपको वहीं से क्या देखना है, मार्केट में गिरावट आ गई तो आपको एग्जिट करना है। और फर्स्ट मैं आपको एक बता दूँ बात, जहाँ से आपको बाय किया है वहीं से रेड कैंडल बनी तो आपको एग्जिट नहीं करना है, स्टॉप लॉस का वेट करना है। स्टॉप लॉस लगा रही है, सही तरीके से लगानी चाहिए, स्टॉप लॉस लगानी नहीं आती जो YouTube पे कई सारे वीडियो है स्टॉप लॉस कैसे लगानी वहीं से देख लेना।
और कुछ भी दिक्कत आए स्टॉप लॉस में, तो एंजल वन अकाउंट है तो उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, कहीं भी ब्रोकर आपको बता सकता है। तो स्टॉप लॉस लगानी जरूरी है। यदि आपके सामने स्क्रीन पे है और नुकसानी में आ रही है प्राइस, तो 10 मिनट नुकसानी में रुकना है। यदि गुरु मंत्र बेस्ट है ये ट्रेडिंग का, स्टॉप लॉस में नहीं आती, आपको सिर्फ सिर्फ 10 मिनट ही आपको रुकना है। 10 मिनट में काफ़ी प्राइस गिर सकती है, इसलिए मैंने बताया स्टॉप लॉस लगा लो। और स्टॉप लॉस कैसे लगानी है, आपको आपके मोबाइल में ही लगानी है और मन में सोच के नहीं लगानी है। यही प्राइस आएगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, उनसे भी ज़्यादा गिर सकती है, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। तो मैंने ऊपर का टारगेट दिया था 39,200 का, 39,749 का इस आज का, बराबर। और गौर से देखिए स्टॉप लॉस मेरी और बाइंग प्राइस। और एक बात बता दूं, यहीं से देखो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी है, यहीं से आपने कॉल ऑप्शन खरीदा। ये रेड कैंडल हथौड़ी जैसी बोलते हैं ना, इसको हैमर बोलते हैं, सही तरीके से उसका नाम हैमर है। उसकी ऊपर प्राइस जा रही है तो आपको वहीं से बाय करना है, और उसकी नीचे की आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। ये देखो यहीं पे उसका छेड़ा है ना, वहीं से उनसे नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगानी है ज़्यादा, उनसे ऊपर नहीं, नीचे लगा दो आपको नुकसानी खमने की ताकत है, तो आपकी स्ट्रेटेजी कदाश उनसे भी यहीं तक प्राइस आकर ऊपर भी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है यहीं तक स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर जाती है, तो उसका खास ध्यान रखना है। हैमर कैंडल कहाँ पे बननी चाहे, तो मार्केट में काफ़ी गिरावट आकर, और पुट ऑप्शन आप जब देखते हो ना, तो उसमें भी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाए, उसके बाद ये उल्टी कैंडल बन जाती है हैमर, उल्टी हैमर। यहीं पे देखो, यहीं सेम टू सेम आपको बता दूँ मैंने, गिरावट आई उल्टी हैमर बनी। मुझे सेलिंग हैमर बोलना आता है, उससे ज़्यादा नाम कुछ नहीं आता। तो यहीं से आपको पुट ऑप्शन है सेम टू सेम, ये उल्टा हो जाएगा। ये पुट ऑप्शन में आपको ग्रीन देखेगा, यहीं ऊपर यहीं सेलिंग शॉर्ट सेल करते हो तो यहीं से आपकी स्टॉप लॉस रहेगी, यहीं से आपकी सेलिंग की प्राइस यही रहेगी। और टारगेट कहाँ तक रहेगा, जहाँ से ग्रीन कैंडल बनना शुरू किया ऊपर प्राइस जाना लगा, वहीं से आपको एग्जिट करना है शॉर्ट सेल में। और पुट ऑप्शन में कैसे, मैंने आपको बता दूँ, पुट ऑप्शन में ग्रीन ऑप्शन दिखाएगा, और आगे मैंने बताया वीडियो में पुट ऑप्शन गिरावट आई तो पुट ऑप्शन खरीदना है। तो ऐसी आपको कैंडल में पुट ऑप्शन के अंदर कोई ऐसी रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी, दो रेड बनी तो आपको एग्जिट करना है। ये दूसरा एक बात बता दूँ, प्रॉफिट कम होना लगे तब भी आपको एग्जिट हो जाना है, और टारगेट का वेट नहीं करना है। मानो कि 1,000 पॉइंट आपको 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट पे, और उसमें 800 रुपये हो गए हैं तो आपको एग्जिट कर लेना है। स्टॉप लॉस तो पहले स्टॉप लॉस का वेट करना है, उसके बाद प्रॉफिट का, प्रॉफिट जब हो जाए, प्रॉफिट कम होने लगे तो एग्जिट करना है। यदि प्राइस गिर गई और फिर से आपको एक बार खरीदने का मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करने के बाद, और एक बात बता दूँ, तब आप 800 रुपये का भी रिस्क ले सकते हैं। यदि आपको स्टॉप लॉस लगे, स्टॉप लॉस आपके 1,000 रुपये की हुई तो 800 रुपये पहले आपको प्रॉफिट निकाल, नुकसान कितने का हो, 200 का, ब्रोकर चार्ज आपको लगेगा 60 से 70, वधी ज़्यादा से ज़्यादा 100। और कॉल ऑप्शन खरीदा, उसमें तो सिर्फ सिर्फ सही बात है कि रेड कैंडल दो बन गई, एग्जिट प्रॉफिट कम होने लगा, एग्जिट सेम टू सेम मैंने आगे बताया कॉल ऑप्शन में। वो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम टू सेम लेवल देखे, ग्रीन ग्रीन ऊपर कैंडल जा रही है और रेड दो बनी तो आपको एग्जिट करना है। एक बात बता दूँ, ये जो कैंडल बनती है ना वो 5-5 मिनट की है। देखो मैंने बताया 10 मिनट नुकसानी में रुकने का है। ये ग्रीन कैंडल से आपने क्या खरीदा, कॉल ऑप्शन, प्राइस ऊपर गई आप रुके तो और जो ऊपर जाएगी, क्या लगा यहीं से देखो, सिंपल प्राइस यहीं से कम होने लगी। देखो ये बॉडी वीक है, यहीं तक प्राइस ऊपर गई थी, मेरा ऊपर के साइड वाइट टपका आ रहा है, यहीं से आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है। बिगिनर ट्रेनर हो तो आपको पता चलेगा, बराबर, बिगिनर आप हो
तो आपको यहीं से आपको कॉल ऑप्शन खरीदा है, आपको पता नहीं ग्रीन कैंडल देख के। मैं भी पहले मुझे स्टडी नहीं की थी बैंक निफ्टी की, तभी मैं ऐसे ही करता ग्रीन कैंडल खरीद देख के कॉल ऑप्शन खरीद लेता और प्राइस ऊपर जाने लगी, प्राइस कभी कभी कम हो जाती और आपको जहाँ से खरीदा वहीं से गिरा। तो मैंने क्या बताया था आगे कि प्रॉफिट कम होने लगे तो आपको क्या करना है, एग्जिट, और प्राइस गिरावट आने के बाद आप भी फिर से खरीदे तो दूसरी बार आपको ग्रीन कैंडल कम दिखेगी। तो यहाँ से क्या हुआ, 10 मिनट में गिरावट आनी स्टार्ट हो गई। यहाँ यदि आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगाई होगी तो आपकी स्टॉप लॉस हिट होगी, स्टॉप लॉस लगानी जरूरी है। यदि आप आराम से सुकून से बैठ गए कॉल ऑप्शन खरीद के प्राइस ऊपर जाएगी, स्टॉप लॉस नहीं लगाई, तो देखो आपको कितनी नुकसानी हो सकती है। आपका 300 रुपये का कॉल ऑप्शन 50 रुपये हो गए होंगे, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगाना बताया। अगली कैंडल का लो जहाँ से आप खरीदते हैं वहीं से बराबर, अने 10 मिनट नुकसानी में रुकना है। यहीं से 2 कैंडल रेड बनी, नेक्स्ट देखो गिरावट काफ़ी बेहतर तरीके से आई। मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट कब बुक करना है, 2 रेड कैंडल बनने के बाद। यदि दूसरी रेड बन रही है, प्रॉफिट कम होने लगे तब, तो ये वीडियो गौर से देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी बेहतर तरीके से मुझे ये स्ट्रेटेजी मिली है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और नेक्स्ट मुझे 15 मिनट टाइम पे वही सपोर्ट वही रजिस्टर, वीडियो में आगे मैंने बता दिया सेलिंग के लिए टारगेट और ये है बाइंग के लिए टारगेट, कॉल ऑप्शन के टारगेट मैंने आगे बता दिया, कॉल ऑप्शन कहाँ कहाँ टारगेट का रहेगा और मेरा टारगेट भी आपको अच्छे तरीके से बता चल गया, और कहाँ से बाइंग करना है वह कहीं से आपको स्टॉप लॉस लगानी है वो अभी आपको मैंने आगे बता दी। यदि मार्केट कहल गैप डाउन खुले, यदि गैप अप खुले, यदि आज आज की बात करूँ, वीडियो में आज सुबह में बना रहा हूँ, तो देखो यहीं पे क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, पहली कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी रेड, उसकी पांच दूसरी कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद बनी एक रेड। मार्केट 4 कैंडल में एक रेंज में फंस गया, क्या हुआ, मार्केट रेंज से फंसा तो गिरावट आई। यहीं से आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, कौन सा पुट, स्टडी है मेरी 39,770, तो आपको पुट ऑप्शन कौन सा खरीदना है, 39,800, 39,700 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं यदि इस तरह स्ट्रेटजी हुई तो। पुट ऑप्शन में आपकी इस कैंडल का हाई आपको इस कैंडल पुट ऑप्शन में इसका लो बताएगा, इस कैंडल का हाई का आपको प्राय करना है, लो से बाय करने का है उनकी हाई की स्टॉप लॉस। पुट ऑप्शन में उल्टा हो जाएगा, उसमें आपको ये रेड कैंडल बनेगी और नेक्स्ट कैंडल आपको ग्रीन दिखेगी, तो उसका गौर से देखिए। वीडियो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाया मैंने आगे भी स्टॉप लॉस का और बाइंग, तो ये मैं वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट काल गैप अप ओपन हो या गैप डाउन, यदि 16 तारीख को यदि कहीं भी किसी भी दिन लाइफ में कहीं भी इस तरह पहली कैंडल बननी देनी, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, नेक्स्ट कैंडल भी वहीं से ओपन हो यहीं से क्लोज हो एक रेंज में फंस जाए तो वेट करना है, वहीं से लाइन आपको ड्रॉप करनी है। मार्केट के अंदर प्राइस नीचे आ रही है तो क्या करना है आपको, पुट ऑप्शन का पहली कैंडल के नीचे बननी चाहिए, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, यदि चौथी कैंडल, यदि 5 कैंडल, 6 कैंडल, जो भी कैंडल बने, ये नहीं बोलता दूसरी कैंडल तीसरी कैंडल, कोई भी कैंडल, पहली कैंडल बन गई दूसरी कैंडल नीचे ओपन हो रही है तो वहीं से आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, और ऊपर से हो रही है तो उस कैंडल से आप कॉल ऑप्शन खरीदना है। पहली कैंडल बनने के बाद ऊपर प्राइस जा रही है तो स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, हर ऑप्शन के अंदर उसकी लो प्राइस है वही का, जिस कैंडल से आपने खरीदी की है
उस कैंडल का, नीचे की कैंडल का लो उसकी स्टॉप लॉस रहेगी। पहली कैंडल आपको बनने दी, नेक्स्ट कैंडल उससे ऊपर ओपन हो रही है, उसके यहाँ पे बाई करना है, और उससे उस नीचे की कैंडल, अगली कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे का साइड का लो प्राइस। मान लो आगे मैंने वीडियो में बता दिया सही तरीके से, वीडियो गौर से देख लेना। यदि आपको सही तरीके से स्ट्रेटजी नहीं पता चली, एक बार अच्छे से बोल देता हूँ। पहली कैंडल मार्केट में बनने देनी है और उसमें एक लाइन ड्रॉ करने, ऊपर की साइड और नीचे की साइड। आराम से बैठना है, 5 मिनट वेट करना है, मार्केट वही रेंज में फंस रहा है तो रुकना है, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं खरीदना है। तो और 3 मिनट तीसरी कैंडल बन रही है उसके नीचे से, तो पुट ऑप्शन खरीदना है, उससे हाई ब्रेक करके ऊपर प्राइस जा रही है पहली कैंडल से, तो उस कैंडल से आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। उस कैंडल का लो आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। और यदि सेलिंग में आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, तो पुट ऑप्शन के अंदर का चार्ट में आपको उस अगली कैंडल का लो आपकी स्टॉप लॉस रहेगी। तो गौर से देखना वीडियो, पता नहीं चला तो कमेंट करना, जैसे आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। मुझे काफ़ी बेहतर तरीके से वीडियो काफ़ी बेहतर तरीके से वीडियो बनाना है, इसलिए आपको काफ़ी बेहतर तरीके से मुझे समझाना है। मुझे ऐसा नहीं कि वीडियो बनाकर आपको शेयर किया और आपको पता नहीं चला, ढंग से आपको पता चले, ऐसे ही मैं चाहता हूँ। मेरे देशवासियों को अच्छे तरीके से पता चलता है, वही मेरे लिए बेहतर काम होगा। यदि आपको एक बार और से बता दूँ, स्ट्रेटजी आपको पता नहीं चली, जो पहली कैंडल है ना, वो सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। सपोर्ट क्या है? प्राइस ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस क्या है? वहीं से प्राइस गिरता है। पहली कैंडल सपोर्ट होती है, पहली कैंडल रेजिस्टेंस होती है। यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको पता नहीं चलता, तो आगे से मैं बता दूंगा। तो वीडियो में आपको पता चला होगा, आई होप के मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। मिलते हैं आगे, नज़दीक क्या होता है कॉल ऑप्शन की। मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई, कहाँ से आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, कहाँ से आपकी स्टॉप लॉस लगानी है, कहाँ से आपको पुट ऑप्शन खरीदना है, कहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगानी है, कहाँ से आपका टारगेट होगा, दोनों मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।